हूँ कांचन। आज है मंडे और अभी बज रहा है 7:30। कल आपको पता ही है कि इन्होंने स्टोर रूम क्लीन की थी, तो उसमें से जो भी इनको लगा कि ये दालें सुखाने के लिए डालनी चाहिए तो उन्होंने साइड में रख दी थी। तो मैंने सारी दालें आज सुखाने के लिए डाली थी और वो ना मतलब थोड़ा सा छान वान के दोबारा से रख दी है। तो ये सारी चीज़ें की है और कुछ ना चीज़ें उसमें ऐसी थी कि मेरा ध्यान भी नहीं था कि वो चीज़ें खराब हो रही है, तो ये वो ना इन्होंने निकाल के रख दिए थे, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था। कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब भी हो गई थी। कितना भी हम लोग ना पाउडर वाउडर लगा के रखते हैं उसे, तो फिर भी खराब हो ही जाती है वो चीज़ें। मतलब मैं ना वो वाली जो कीड़े मारने वाली जो पाउडर नहीं होती है वो लगा के रख देती हूँ। बहुत सारे दालों को मैं ना वो कीड़े मारने वाली जो पाउडर होती है वो लगा के रख देती हूँ, फिर भी वो पता नहीं कि यार कैसे मतलब खराब हो जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई ट्रिक हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि उसके लिए क्या किया जाए। और मैं ना चीनी में कपूर की पोटली डाल के रखती हूँ, तो उससे चींटियाँ वगैरह नहीं आती है, तो चींटियाँ भी हो जाती है। वैसे हमारा जो एरिया है वो थोड़ा सा खुला खुला सा है ना, इस वजह से चींटियाँ भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो कुछ कुछ इसमें ना चींटियाँ भी हो गई थी, तो चीनी में पहले चींटियाँ होती थी, तब से ना मैं उसमें पोटली डाल देती हूँ कपूर की। दोपहर तो मैंने ऐसी की वो दाले वाले सुखाने के लिए डालने में और सारी चीज़ों करने में। उसके बाद ये आए, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, फिर रेस्ट करने लगे। उसके बाद अभी शाम का तो आपको रूटीन पता ही है, तो चलिए पहले कामों में लग जाते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। पर इन्होंने ना दूध बॉईल करने के लिए रखा है और पता नहीं किस लिए कि ये बोल रहा है कि वो क्या बनाने वाले हो आप? रसगुल्ला। रसगुल्ला बनाने वाले हैं आज, हस्बैंड रसगुल्ला बनाएंगे। श्रीकांत भी थोड़ा हेल्प करेगा ना? अच्छा अच्छा अच्छा, श्रीकांत भी हेल्प करेगा। मुझे तो नहीं आता है ये बोल रहे थे, कल भी बोल रहे थे जब गुलाब जामुन बनाया था, आज रसगुल्ला बना दो। बट कल मैंने मना किया था क्योंकि मुझे गुलाब जामुन बनाना था, और अभी आज ये दूध वगैरह लेके आए थे, तो इसी वजह से बोल रहे थे कि रसगुल्ला बनाता हूँ।
यहाँ पर रखा है हमने, तो ये मंदिर यहाँ पर नहीं रखना चाहिए था, तो इसके पीछे एक रीज़न है डियर। मैंने मंदिर शिफ्टिंग का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। मंदिर यहाँ पर रखा है और वो भी फ्रंट में रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, एकदम फ्रंट में रखा है। तो यहाँ पर है ये मंदिर, एकदम सामने ही है, और उसके बाद यहाँ पर मेरा जो जो खाने पीने का सामान है वो यहाँ पर होता है, मतलब जो भी ग्रॉसरी हम लोग लाते हैं तो वो इसमें कंटेनर में भर के रखते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो ये सारी चीज़ें इधर है, साइड में है, और ये मंदिर जो है एकदम फ्रंट में है डोर के। मंदिर को यहाँ पर रखने का रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ, ये मंदिर यहाँ पर क्यों रखा है हम लोगों ने। तो ये मंदिर ना पहले यहाँ पर होता था, मैं आपको जगह दिखाती हूँ, ये मंदिर जो फोटो लगाया है वहाँ पर होता था। हम लोगों ने ये मंदिर यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि अद्विक छोटा है और वो वहाँ पर ना चेयर पे चढ़ के मंदिर के जो भगवान है वो पूरे निकाल देता था, इस वजह से हम लोगों ने वो मंदिर शिफ्ट किया था। और पिछली बार जब शिफ्ट किया था मंदिर तो आपके साथ शेयर किया था, और यहाँ पर हम लोग डाइनिंग पे नॉनवेज वगैरह खाते थे तो अच्छा भी नहीं लगता था, तो इसी वजह से हम लोगों ने वो मंदिर शिफ्ट कर दिया था वहाँ पे। तो अभी ना नॉनवेज वगैरह जब भी बनता है तो हम लोग उधर खाते हैं हॉल में, और फिर भी यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह है, किसी ने ये भी बोला था हमें कि फ़ोटोज़ वगैरह है यहाँ पे, तो नॉनवेज जब भी बनता है तो हम लोग ज़्यादातर वहाँ पर खाते हैं हॉल में। यहाँ पर ये मंदिर रखने का रीज़न यही था कि अद्विक चढ़ता था चेयर पर और भगवान नीचे निकाल देता था, नहीं लगता था वो मुझे, इसीलिए वो जो मंदिर है वो शिफ्ट किया था हम लोगों ने। जब अद्विक बड़ा हो जाएगा तब मंदिर जो है उसी जगह पर जाएगा जहाँ पर पहले था, तो अभी कुछ दिनों के लिए हम लोगों ने रखा है क्योंकि अद्विक अभी भी ऐसा है कि अद्विक अभी भी चेयर पे चढ़ता है और मंदिर के भगवान निकाल देता है नीचे। तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर डोर है इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, मतलब ताकि अद्विक जब भी उधर जाए तो हम लोग डोर लगा सकते हैं और वो मतलब थोड़ा सा सेफ रहेगा, इसी वजह से हम लोगों ने वहाँ पर रखा है मंदिर। आई होप आप समझ गए होंगे मंदिर मैंने वहाँ पर किस लिए रखा है। और वो स्टोर रूम हम लोगों ने नाम दिया है, बट मेरा कबाड़ा कभी नहीं रहता है स्टोर रूम में, मतलब गंदगी कभी नहीं रहती है स्टोर रूम में मेरे, बोला था मुझे, उसका आंसर आपको मिल गया होगा, आई होप आप समझ गए होंगे और मेरी प्रॉब्लम को भी आप समझ गए होंगे। हल्दी नमक और थोड़ी सी मिर्च पाउडर लगा के इसे सुखाने के लिए रख दिया था, तो ये इस तरह से ड्राई हो गया है, पूरा पूरा कड़क हो गया है, तो इसे सिर्फ फ्राई करना है। तो ये पहले मैं सोच रही थी ये बनाऊं, बट ये बोल रहे कि ये भिंडी बनाओ, मतलब भरवा भिंडी, तो अभी भरवा भिंडी बनाने वाली हूँ डिनर में, और रोटियाँ बना ली है मैंने, दाल बन जाएगी और भरवा भिंडी बना लूँगी। तो चलिए भरवा भिंडी की जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। सो गाइज़ यहाँ पर बना रही हूँ मैं मसाला भिंडी, और उसके लिए मैंने पहले तेल में प्याज डाल दिया था, उसे थोड़ा सा भून लिया था, उसके बाद मैंने उसमें ना जो लंबे लंबे काट के जो भिंडी रखी थी वॉश करके वो मैंने उसमें ऐड कर दिया, और उसे अच्छे से चला लूँगी, मतलब जब तक प्याज का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, और 3 से 4 मिनट तक आपको इसे अच्छे से पका लेना है, मतलब चला लेना है, उसके बाद उसे निकाल लेना है। और उसके बाद हम लोग कढ़ाई में तेल ऐड करेंगे, तेल ऐड करने के बाद उसमें जीरा ऐड करेंगे, और उसके बाद हमें उसमें ऐड करना है थोड़ा सा हींग, और उसके बाद हम उसमें अजवाइन ऐड कर देंगे 1 चम्मच अजवाइन, और बस उसमें ना ये मैं थोड़ा सा गार्लिक और अदरक और वो ना हरी मिर्च उसको मैंने अच्छे से काट लिया था, और वो काट
काटा हुआ मैंने उसमें ऐड कर दिया था तेल में और अच्छे से उसे भून लिया था। उसके बाद मैंने उसमें टोमेटो का पेस्ट ऐड किया है, प्यूरी ऐड की है, उसे अच्छे से भून लूँगी जब तक उसका तेल छूटने ना लगे। और उसके बाद मैं उसमें मसाले ऐड करूँगी, मसाले मतलब लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसे भी अच्छे से चला लूँगी। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके अच्छे से चला लेना है। और उसके बाद दही मैंने यहाँ पर फेंट लिया था, दही फेंटा हुआ ही आपको यूज़ करना है, नहीं तो ये फट जाएगा, तो इसी वजह से मतलब अलग अलग सा दिखेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और उसके बाद जो भिंडी हमने निकाल के रखी थी वो ऐड कर देंगे। और सिर्फ आपको मसाला अच्छे से भून लेना है, नहीं तो फिर मसाला कच्चा रहेगा। मैंने यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड किया है तो इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने मसाला नहीं भुना है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से मसाला भून लिया था। और उसके बाद थोड़ा सा पानी हम लोग ऐड कर देंगे उसमें, और उसके बाद थोड़ा सा ढक्कन रख के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। और हमारी जो मसाला भिंडी है वो रेडी है। सॉरी, मैंने भरवा भिंडी बोला था आपको पहले, तो मसाला भिंडी बना रही थी मैं, मेरे मुँह में भरवा भिंडी आ गया था। गाइस, डिनर हो चुका है, सभी काम हो चुके हैं, मतलब क्लीनिंग वगैरह, गैस क्लीन हो चुका है, सभी चीज़ें मतलब क्लीन करके मैंने रख दी है। जो भी चीज़ें बची थी वो मैंने फ्रिज में निकाल के रख दी है, तो सारा काम हो चुका है। और हाँ, किसी ने मुझे पूछा है कि माही जो है वो आपकी रियल बेटी है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दिनों से ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि माही मेरी रियल बेटी है क्या, माही मेरी रियल बेटी है क्या। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा होगा कि माही मेरी रियल बेटी है क्या, तो मैं आज बता देती हूँ कि माही मेरी रियल बेटी ही है डियर। बट आप लोगों को कैसे लग रहा है मेरी रियल बेटी नहीं है वो मुझे समझ में नहीं आता है। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया होगा, मतलब आज तक जिन्होंने भी ये क्वेश्चन करते आए होंगे, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन कैसे किए, मतलब क्यों आपको ऐसा लगा कि वो मेरी रियल बेटी नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या कमी दिखी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी माही रियल बेटी नहीं है, तो ज़रूर कमेंट करके बता देना मुझे, तो मुझे भी आपके क्वेश्चन का रीज़न पता चल जाएगा। गाइज, ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है और नाम लेने का टाइम आ गया है जिसका आप वेट कर रहे थे। तो सबसे पहला नाम है रितिका नांगड़ू और सेकंड नाम है अमीना मलिक। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, इन्होंने जिन्होंने कमेंट की थी कि मेरा नाम लीजिए और जिनका नाम मैं ले नहीं पाई हूँ, तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूँगी। आपको सिर्फ क्या करना है कि कमेंट करना है आपके नाम के साथ और बोलना है कि आप मेरा नाम लीजिए करके। तो मैं इतने सारे नाम तो नहीं ले सकती हूँ, मैं 2% का ही नाम ले सकती हूँ, तो मैं उसमें से कोई भी लकी 2% का नाम अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम आना चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपके नाम के साथ, तो नेक्स्ट वीडियो में उसमें से 2% मैं चूज़ करूँगी, उनका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ।
पर आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।